नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ऑटोडेस्क माया के पार्ट 5 को कंप्लीट सीखेंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने माया 2022 के अंदर कंपोनेंट्स ऑप्शन को कंप्लीट सीखा था और आज के वीडियो में हम लोग माया के अंदर जितने भी बेसिक सारे टूल्स हैं उन सभी को कंप्लीट सीख लेंगे और इससे आगे आने वाले वीडियो में हम लोग मॉडलिंग जो है वो सीखना शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में जितने भी सारे छोटे छोटे टूल है इन सभी टूल को मैं आपको गाइड कर देता हूँ, अर्थात बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो हमारी नई 2022 की प्लेलिस्ट है ये भी हमारी 2020 के प्लेलिस्ट जैसा ही पावरफुल होने वाला है। और एक बात और देखिए, मैं वीडियो बनाता हूँ, हो सकता है कोई वीडियो आप लोगों को अच्छा ना लगे या कोई खराब बन जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं अगली वीडियो में उसे सुधार करने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये जो ग्रिड है, ठीक है, ये वाली जो ग्रिड है ये ग्रिड को आप कैसे घुमा सकते हो। आज के वीडियो मतलब कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन या फिर बेसिक जितने भी सारे सीखने वाला चीज है मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिये, ये जो ग्रिड है, ग्रिड को आप क्या कर सकते हैं, अल्ट का बटन दबा के रखिए और यहां से लेफ्ट क्लिक कीजिए, ठीक है, क्लिक करके रखिए और उसे घुमाइएगा तो ये रोटेट होगा, ये आप लोगों को पता होगा, मुझे मालूम है। उसके बाद यदि राइट क्लिक करते हैं तो ये जूम इन और जूम आउट होगा और इसके बाद यदि आप यहाँ अल्ट का बटन दबा करके और बीच वाला स्क्रॉल व्हील दबाते हैं तो ये ट्रैक होगा, अर्थात इधर उधर जाएगा। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपको जो लग रहा है कि मैं ये ग्रिड घुमा रहा, आपको लग रहा है कि मैं ग्रिड को जूम इन जूम आउट कर रहा हूं, आपको लग रहा है कि ग्रिड को मैं ट्रैक कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका ओरिजिनल बात ये है कि जब हम इसे चलाते हैं तो हमारा ग्रिड नहीं चलता है, हमारी कैमरा चलती है लेकिन दिखाई देता है कि हमारी ग्रिड चल रही है। इसका एग्जाम्पल अगर हम बताएं, देखिए सबको पता है कि धरती घूमती है लेकिन आज तक हम लोगों को लगता है कि नहीं, जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य ही घूम रहा है। वही बात यहाँ पर है कि कैमरा सब आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, कैमरा सारे जगह पर इधर उधर हो रहे हैं और हमें लगता है ये ग्रिड हो रहा है। हालांकि सीखने के लिए आप ग्रिड को भी घुमाना बोल सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। उसके बाद देखिये, जब आप व्यू पे क्लिक करते हैं, ग्रिड के रिलेटेड जितना ऑप्शन है सब कुछ मैं बता देता हूँ, जो भी हमारी ऑप्शन आएगी, क्योंकि हमारा ऑटोडेस्क माया 2022 का स्पेशल कोर्स है, जो भी आएगा उसे मैं कंप्लीट सिखा ही दूंगा। तो यहाँ पर है व्यू, व्यू के ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कैमरा टूल, कैमरा टूल के ऊपर जब आइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टंबल कैमरा, टंबल कैमरा। देखिए, अब मैं अल्ट नहीं दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं दबा रहा हूँ और यहाँ से टंबल कैमरा के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। टंबल कैमरा के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा माउस जो है ऐसा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारा टंबलिंग हो रहा है, यानी कैमरा जो है वो टंबल हो रहा है और इसीलिए हमारा ग्रिड जो है इस टाइप से दिख रहा है। दूसरा ट्रैक है, दूसरा ट्रैक वाली कैमरा है, ठीक है। तो ट्रैक के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया तो अब ये क्या हो रहा है, ये ट्रैक होना शुरू हो गया, राइट, यानी कि हम इस कैमरे की मदद से इसको इधर उधर दाएं बाएं कहीं भी लेकर जा सकते हैं। वही बात यहाँ पर डोली कैमरा है जिनकी मदद से हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे टंबल कैमरा, ट्रैक कैमरा, डॉली कैमरा और यहाँ पर बहुत सारे कैमराज हैं चलाने के लिए। ये सब कैमरा चलाने के लिए टूल दिए गए हैं जो कि हम लोग जब कैमरा सीखेंगे तब आपको ये सारे चीज मैं कंप्लीट बता दूंगा। हालांकि ग्रिड को ऑपरेट करने के लिए जब हम अल्ट का बटन दबा के सारे काम करते हैं तो आपको ये बात याद रखना है कि यहाँ पर कैमरा जो है वो चलता है, अभी आप वर्किंग के दरमियान ग्रिड को घुमाना भी बोल सकते हैं। दूसरी बात, ये जो ग्रिड की साइज है ये अभी सेंटीमीटर में है तो इसे आप जरूरत के हिसाब से फुट में, यार्ड में या फिर मिलीमीटर में या फिर कठा बीघा में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ से विंडोज पे जाना होगा और यहाँ से सेटिंग एंड प्रेफरेंसेज होगा और यहाँ से प्रेफरेंसेज को आपको ऑन कर देना है। प्रेफरेंसेज को ऑन करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग के ऊपर आइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटीमीटर, इसको मीटर कर सकते हैं, इसको फुट कर सकते हैं, इंच कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जिसको जो मर्जी वो कर सकते हैं। फिलहाल अभी सेंटीमीटर में है, यही बात मैं आपको बता रहा था और यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। देखिए, एक बात मैं और बता ही देता हूँ, जब विंडोज पे आएंगे और यहाँ से सेटिंग एंड प्रेफरेंसेज पे आएंगे और यहाँ प्रेफरेंसेज के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट पे आके आप रीस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग करेंगे तो ये माया पूरी जो है, माया की टूल जो है वो रीसेट जो है वो हो जाएगी, ठीक है। एडिट, रीस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग और यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, तो ये सारे चीज पहले से ही है, ठीक है, और यहाँ सेव कर दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है।
इस टाइप से आप रीस्टोर भी इसे कर सकते हैं। दूसरी बात, उसके बाद क्या है, यहां से आप दोस्तों उसके बाद आप ग्रिड के कलर करेक्शन को भी कर सकते हो। यदि कलर करेक्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पर एक ग्रिड का ऑप्शन है जिससे हाइड अनहाइड होता है, यहीं पर आप राइट क्लिक कर दीजिएगा तो यहां पर आपको आ जाएंगे ग्रिड ऑप्शन। इसके ऊपर आइएगा तो यहां पर आप देख पाएंगे कि ग्रिड की कलर के लिए यहां पर दी गई है, जो भी आपको कलर करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ा दीजिए तो तीन टाइप्स की लाइन होती है ग्रिड के अंदर, वो चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई एंड क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर जो है वो बेहतर लगता है ग्रिड में, वो कलर आप यहाँ से रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, आपको जैसा लगे वैसा रखिए। ठीक है, इसके बाद कई बार क्या होगा कि यहाँ से ग्रिड हाइड हो जाएगा और आप परेशान रहोगे, भाई यहाँ से ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ग्रिड आ क्यों नहीं रहा है। इसका कारण है कि यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हैं, ग्रिड ऑप्शन देखो यहाँ लिखा हाइड ऑल ग्रिड, इसको हटाओगे तो ये ग्रिड आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ जो इन्होंने लाइन से इंडिकेट की हुई है, यहाँ पर एक एक जो उन्होंने बॉक्स बना रखी है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो ये जो बॉक्सेज है इनकी भी अपनी एक साइज होती है। और यहाँ पर देखिए एक लाइन जो है, यहाँ से एक ग्रीन लाइन है, एक रेड लाइन है और ये एक व्हाइट लाइन है, ये सब इंडिकेट कर रहा है जब आप ग्रिड ऑप्शन को यहाँ से ऑन करोगे तो आप देख पाओगे कि सबसे पहले लिखा है यूनिट, अगर आप 12 को 24 करोगे तो आपकी ग्रिड की साइज बड़ी हो जाएगी। यहां पर लिखा है 5, इसको आप 10 करोगे तो इसकी जो बॉक्स की साइज है वो 10 करते ही ये क्या होगा, यहां से बढ़ेगा। देखिए बढ़ गया ना, ये रेड वाली जो यहां पर साइज है, इस बॉक्स की साइज बढ़ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको 24 किया तो पूरी ग्रिड बढ़ा, लेकिन यहां पर 10 किया तो ये क्या होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखिए कोई भी चीज को अगर मेरे पास कोई छोटा सा बॉक्स है तो वो छोटे वैल्यू में होगा, यदि वो बड़ा बॉक्स है तो ये बड़ा बड़ा बॉक्स होगा ना। यही चीज यहाँ पर दिया गया है कि आपको जितना करना है उतना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अप्लाई कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स यहाँ से यहां तक है, एक बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 यानी कि 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल मिला करके यहाँ बॉक्सेस से इंडिकेट कर गया है, यानी 4 इधर से है, 4 इधर से है, 4, तो वो वाली सब डिविजन है। यहां से आप इसको बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो उसका वैल्यू आप यहाँ पर देख पाएंगे कि उसकी जनसंख्या जो है यहाँ बढ़ जाएगी। ठीक है, 10-10 काउंटिंग अभी चारों तरफ से हो जाएगी इसको लेकर के, 10 इधर से, 10 इधर से। ठीक है, तो ये हो गया अपना, वापस रीसेट करना, एडिट में जाओगे रीसेट कर दोगे और यहाँ से अप्लाई कर दोगे, ये रीसेट हो जाएगा। लेकिन इसकी कलर की रीसेट नहीं होती, तो कलर की रीसेट आप यहाँ से ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला कलर था पहले, उसके बाद ये वाला कलर था और फिर यही वाला कलर था, तीनों में एक ही कलर था, अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हुआ क्या, पहले जैसा था वैसा हो गया, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक सहायता के लिए लाइन होती है, बाकी इनका यूज और भी ज्यादा नहीं होता है, ये सिर्फ एक सहायक लाइन ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्रिड का ऑप्शन। उसके बाद एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, देखिए अभी आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही होगी, बहुत ज्यादा, तो ये क्या है कि धीरे धीरे आपका पूरा कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए जो इंपोर्टेंट ऑप्शन है मैं यही बताऊंगा पूरी माया के अंदर, क्योंकि हमारी जो जर्नी है वो 100 वीडियो में ही एनिमेशन को खत्म करना है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि हमें चलना भी फास्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी ग्रिड की ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हुई। एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि देखिए यहां पर 1 2 3 4, यहां पर जो 4 एरिया है, समझ गए, ये सब को व्यू पोर्ट बोला जाता है, समझ गए। अब व्यू पोर्ट को यदि मैं मुझे समझाना है तो मैं यहां से एक बॉक्स जो है वो लेता हूं। ठीक है, मैंने यहां से एक बॉक्स लिया और बॉक्स लेने के बाद अलग अलग बॉक्स में मैं अलग अलग कलर कर दे रहा हूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ पाए, एसआई न्यू मटेरियल में गया और यहां से फॉन्ग ई पर गया और कोई भी मैं एक कलर कर देता हूं, किसी में रेड किसी में ब्लू, ऐसा करके मैं सभी को कलर बता देता हूं, जो जिससे मैं आपको व्यू पोर्ट समझा सकूं कि ये व्यू पोर्ट क्या होता है। ठीक है, इसको भी मैं कलर दूंगा और यहां से इसका कोई दूसरा कलर दे देता हूं और इनको भी मैं कलर दूंगा और इसको भी मैं यहां से ऑन कर दिया हूं। देखिएगा खाली दो कलर एक ही ना हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर ऐसा न्यू मटेरियल होंग ई और यहां से भी हम इसे ऑन करेंगे, अलग कलर देंगे यहां से, ये हो गया ग्रीन कर देता हूं, ग्रीन तो मैंने दिया था पहले, तो
हाँ चलेगा, ये वाला देता हूँ येलो, ये हो गया हमारा सारा अलग अलग कलर, और इन दोनों को भी एक कलर दे ही देता हूँ ताकि अच्छा रहे। ऐसा न्यू मटेरियल होंगे ई, और यहाँ से मैं इसको व्हाइट कलर दे देता हूँ, व्हाइट हो गया, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और इसका कोई वरुण वरुण कोई भी कलर एक दे देता हूँ, ब्राउन जैसा कलर दे देता हूँ। तो ब्राउन कलर आप यहाँ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से आइए इधर कर दीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ से ब्राउन जैसे बढ़ा दीजिए, ठीक है, ये ब्राउन हो गया। तो ये हमने इस टाइप से कलर किया है, इसकी साइज को आप चाहो तो लंबाई चौड़ाई में बराबर भी कर सकते हो, नो इशू आप कर सकते हो, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बनाया, इसका कारण है कि देखिए माया के अंदर व्यू पोर्ट होते हैं, अलग अलग व्यूज होती है, ठीक है। तो जब आप यहाँ सिंगल पे करेंगे सिंगल आएगा, और यहाँ चार पे करेंगे चार आएगा, स्पेस बार दबा देंगे तो भी ये चारों व्यू आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ से वो चार व्यू आने के लिए इस पे क्लिक कर दीजिए कि चार व्यू आ जाएगा, फिर इस पे क्लिक कीजिएगा ये बड़ा हो जाएगा, फिर स्पेस बार से ये सब इंडिकेट होगा। तो ये देखिए आप अलग अलग व्यू में अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग देख पा रहे हैं, समझ लो। यहाँ पर जो व्यू है, फ्रंट है, टॉप है, साइड है, इनके अलावा भी व्यू आप ला सकते हैं। जब आप यहाँ स्पेस बार किसी भी दबा के रखिएगा, देखिए यहाँ पर दबा के रखा तो यहाँ पर आता है, और यहाँ की जब माया के ऊपर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट व्यू में जाएंगे तो लेफ्ट व्यू वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि जिसकी जो वैल्यू है वो उनकी वैल्यू पर ही वो चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना व्यू पोर्ट, स्पेस बार दबाते ही वो बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद क्या, यहाँ पर चार पे क्लिक कीजिए, दो पे क्लिक कीजिए, दो व्यू आ जाएंगे, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए तो इतने सारे व्यू है, थ्री व्यू, फोर व्यू, सब व्यू अलग अलग टाइप से हैं, सिंगल व्यू, लेकिन ये चार पे करेंगे चार आ जाएगा, सिंगल पे करेंगे सिंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना व्यू पोर्ट, ठीक है, इसको कहा जाता है व्यू पोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अभी आपको दो चीजें बताया है, पहला चीज है तो मैंने आपको ग्रिड बताया, और दूसरा चीज है मैंने आपको व्यू पोर्ट बता दिया, ठीक है, जो इंपोर्टेंट था। उनके बाद जो है मैं ग्रिड को यहाँ से, अभी ग्रिड नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए ग्रिड नहीं दिख रहा है, तो मैं छोटा कर दिया यहाँ से, और छोटा करने के बाद अब क्या करता हूँ, दो तीन ऑप्शन और है, मैं वो भी बता देता हूँ, जो इंपोर्टेंट है वही बताऊंगा। एक स्नैपिंग का ऑप्शन जो है बार बार यूज होता रहता है, तो ये वाली है जो कि ग्रिड स्नैप करेगा, दूसरी कुछ भी नहीं है, एक ये ऑप्शन है जो ग्रिड स्नैप होगा, ठीक है, ये बार बार यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। और वर्टेक्स स्नैप भी है, तो वर्टेक्स स्नैप का यूज बहुत ज्यादा भविष्य में होगा, तो यहाँ से मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँ, तो वर्टेक्स स्नैप क्या है मैं बता दूं, यहाँ से इसको ऑन करोगे तो आप इसको कहीं भी ले जाओगे तो इनके वर्टेक्स पॉइंट पर ये जो है स्नैप होगा, ठीक है, बाकी के कुछ भी नहीं, इसको बंद रखिएगा, ये हो गया। बाकी इसके बारे में हमने 2020 वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है दोस्तों। माया 2022 में हम जो भी चीजें बताएंगे वो रियलिस्टिक रिजल्ट में होगा, अर्थात फुल हाई क्वालिटी का होगा, जो भी चीजें बताऊंगा कोई भी फ्रॉड वाली चीजें नहीं, जितना भी एकदम हो सके मैं दिल से सिखाऊंगा कि ताकि आप लोगों को एक बार में ही सारा कुछ समझ में आ जाए। उसके बाद एक ऑप्शन और भी ज्यादा यूज होता है, वो है आप प्लस का बटन दबाइएगा ये बहुत बड़ा होगा, और माइनस का बटन दबाइएगा छोटा होगा, डी का बटन दबाइएगा तो इसकी रिमो का आप इधर उधर कहीं भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। वापस डी दबाया और रिसेट करना है, इस टूल पे दबा दीजिएगा तो बीच में आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये चीज हो गया, उसके बाद आता है, बात आता है डुप्लीकेट का। डुप्लीकेट वाले भी ऑप्शन हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था, यहां से मैं दिखा दूं, कंट्रोल डी करोगे डुप्लीकेट हो जाएगा, यहां पर रख सकते हो, उसके बाद कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, याद रखिएगा, कंट्रोल सी भी से भी डुप्लीकेट होता है, यदि आप कंट्रोल सी करते हो तो कॉपी होता है, कंट्रोल भी करते हो तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी, इससे भी ये डुप्लीकेट कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल भी से ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कंट्रोल डी ही आप यूज किया कीजिएगा, ये हो गया। उसके बाद यदि आप शिफ्ट डी करते हैं और एक बार इसको जहां रख देते हैं उतने डिस्टेंस में शिफ्ट डी करते जाइएगा तो होता चला जाएगा, एक ये भी टॉपिक है। उसके बाद ये हो गया हमारा कंट्रोल डी शिफ्ट डी, अर्थात डुप्लीकेट करने का ऑप्शन। हालांकि जैसे जैसे हम लोग चीजों को बढ़ाएंगे वहां जैसे जैसे यूज होगा उन सभी चीजों को हम लोग कंप्लीट सीखते भी जाएंगे, उसका नो इशू, वो तो हम लोग करते ही रहेंगे, चलता ही रहेगा वो सारी चीजें, ठीक है। ये हो गया डुप्लीकेट, डिलीट का मतलब सीधे डिलीट दबा देंगे तो वो चीजें डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रिड, और उसके बाद एक और है अलाइन टूल, जिसको यूज में तो आता नहीं है, लोग ऐसे ही कर लेते हैं, तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। अलाइन टूल अगर देखना है तो कंट्रोल डी करता हूँ मैं यहाँ से, और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हुआ, सॉरी कंट्रोल डी नहीं दब पाया, ये कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हुआ, कंट्रोल डी ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर मान लीजिए एक इधर है और एक इधर है, ठीक है, ये हो गया। ये सभी को सेट करना है, सबको सेलेक्ट करके आप यहाँ से
अब मॉडिफाई में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एलाइन टूल मिल जाएगा। एलाइन टूल के ऊपर क्लिक करेंगे ये बोल रहा है किस टाइप से करना है, हर एक सॉफ्टवेयर में होता है तो इसके बारे में एक ही बार में आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, ये होता है टोटल का टोटल अलाइनमेंट वाली टूल। ठीक है, तो ये हो गया ग्रिड और अलाइनमेंट वाली टूल। उसके बाद मान लीजिए कि कोई एक खंभे टाइप का कोई चीज आपके पास है। ठीक है, ये वाली चीज है, मैं इसको दूर दूर कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए अपने पास एक ये वाली चीजें हैं। ठीक है, एक ये वाली चीजें हैं, आर का बटन दबा के मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ से, ये वाली चीजें हो गया। और ये वाली जो चीजें हैं, एक हमारे पास बॉल है और जिसको हम लोग चाहते हैं कि एक ही क्लिक में यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ये कैसे आएगा, यहाँ से आपको जाना है मॉडिफाई में और यहाँ जाना है स्नैप टूगेदर टूल के ऊपर, यहाँ पर आना है और जिसको जहाँ ले जाना है, मान लीजिए इसको हमें ले जाना है कहाँ पर, इसके बीचों बीच में लाना है, बीचों बीच क्लिक कर दीजिए और यहाँ जैसे ही आप इंटर कीजिएगा तो ये उस पर चला जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं दिखा दूँ यहाँ से, ये आसानी से उस पर चला जाएगा, सिर्फ एक बार आपको इंटर करना होगा और ये तुरंत ही वहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्नैप टुगेदर टूल, भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टूल है। एक बार और बता दो, यहाँ से मॉडिफाई पे जाइए और यहाँ से स्नैप टुगेदर टूल पे जाइए और यहाँ पर क्लिक कीजिए और जहां पर इसे ले जाना है वहां पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इंटर कीजिएगा तो ये वहां पर पहुंच जाएगा, इंटर। ठीक है, तो इस टाइप से आप चीजों को क्रिएट कर सकते हो। इन सभी को पकड़ करके आप चाहो तो यहाँ से मॉडिफाई में जाएंगे और अलाइनमेंट टूल वाले जो है अलाइनमेंट कौन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है इसके अलाइनमेंट के रिलेटिव भी खूब सारे ऑप्शन है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका अलाइनमेंट वाली टूल, राइट। यहाँ पर मैंने आपको ग्रिड बता दिया, टूल बता दिया, काफी सारे ऑप्शन जो है मैंने डिटेल्स में आप लोगों को बता दिया। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग जो हमारा फुल इंपोर्टेंट टूल है अर्थात बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टूल है उन सभी को सीखेंगे और उससे अगले वीडियो से मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मॉडलिंग में कांगा भी होगा और एक महिंद्रा का कार होगा। ठीक है, और एक पानीपुरी की लाड़ी होगी, एक मिट्टी का घर होगा, एक बिल्डिंग होगा, इस टाइप से बहुत सारे चीजें जो हमारी मॉडलिंग में आने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो दबा के मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख करके ऑटोडेस्क माया को या फिर पूरे एनिमेशन वर्ल्ड को कंप्लीट सीख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।